मेंबर कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर सुरजीत कुमार घोष सर, इस टीम के मेंबर डॉक्टर मर्फी अलेक्जेंडर सर, इस टीम के ऑब्जर्वर प्रोफेसर बीके सुरेश सर, इन सभी मेंबर का हम सभी पेरेंट्स की ओर से आपका यहाँ पर हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं और हम सभी पेरेंट्स का भी इस पेरेंट्स मीटिंग के आयोजन के उपस्थित हैं, सभी का यहाँ पर तहे दिल से स्वागत किया जाता है। मैं अनुरोध करता हूँ इस मौके पर इस पीयर टीम के चेयरमैन आर्यन मिश्रा सर और सभी मेंबर को, हम सब उपस्थित पेरेंट्स को आप यहाँ पर मार्गदर्शन दें। सबको नमस्कार। वी हियर इन ऑर्डर टू हियर फ्रॉम योर साइड, वी आर नॉट देयर टू सजेस्ट समथिंग, ऑफ कोर्स मे बी ऑफ द रिकॉर्ड वी विल से। दिस इज अ नैक विजिट, इट इज कॉल्ड नेशनल असेसमेंट एंड अक्रेडिटेशन काउंसिल विजिट, एंड एवरीबडी नोज दैट योर कॉलेज हैज गॉट ए ग्रेड 5 years down the line. Again, this year they are going for reaccreditation, the third cycle. Again, they want to get a better grade. Every year they want to have a better grade, every time. So, one of the processes, the parents needs to have any kind of grievances about the institute. Have you faced any kind of problems? Do you have any kind of grievances in order to stay? Do you have any kind of suggestions for the improvement of the institute? And in total, what exactly the opinion about this particular college when your son or a daughter was there here? Or maybe he is here. So I just want to know from your side, how about this college? Are you happy about the teaching? Are you happy about the infrastructure? Are you happy about the facilities provided by this institute? So, you please tell me in one or two sentences so that we will come to know what exactly the perception from parents' point of view. As an employee, your perception is different. As a general public, perception is different. As a parent, your responsibility towards the institution, they may not speak like that. So I want to know from you about, this is your institute. We are here for about 2-3 days. So after 3 days, we'll pack up and we'll go. We are here only to assess about the validity of the documentation process. So please express yourself, what exactly your views about this institute, so that there is always a kind of a chance where for the upliftment or the development or expansion or for the growth of this particular institution in the days to come. Today Dayananda is something else, tomorrow it has to be one step ahead. In order to go to that stage, you tell me your opinion, your suggestion. Please, later finally we will bite up. विशेषताएं ये है, पूरे महाराष्ट्र स्टेट में जो शिक्षण के बारे में एक लातूर का नाम है, जैसे महाराष्ट्र स्टेट में ही है, पूरे इंडिया में जो लातूर का नाम है, जहाँ से कि सबसे ज़्यादा डॉक्टर्स और इंजीनियर्स इस लातूर से जाते हैं, तो इस महाराष्ट्र में जो नाम है उसके लिए जो एक योगदान है, इस योगदान के बारे में जैसा कि आप देखते हैं विशाल सा इस महाविद्यालय है, इस महाविद्यालय का परिसर जो है, इस महाविद्यालय का परिसर प्रसन्न परिसर है, जो कि
इस महाविद्यालय के प्राचार्य साहब हैं, प्राध्यापक हैं, जो स्टूडेंट्स हैं वो स्टूडेंट्स लगा के यहाँ से जो अध्यापन का काम जो है, तो अध्यापन का काम यहाँ पे किया जाता है। जैसे कि अभी तो कोरोना के कार्यकाल में 2 साल तो ऑनलाइन ही था, ऑफलाइन कॉलेज पूरा फिजिकली बंद था ऑनलाइन, लेकिन ऑनलाइन भी बराबर टाइम टू टाइम जो टाइम में वो सब्जेक्ट दिया है, वो जो टाइम में वो पीरियड जो होना है वो पीरियड यहाँ पे जो रेगुलरिटी जो थी वो रेगुलरिटी ऐसे कोरोना के कार्यकाल में भी थी। जैसे कि यहाँ पे एक हिसाब से अगर देखा जाए तो इस महाविद्यालय के विशेषता जो कि यहाँ पे सभी इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके पूरा है, टीचिंग स्टाफ तक यहाँ पे अच्छा है। धन्यवाद। Your son or daughter who is studying in this college or studied? My name is Patel M. R. My daughter B.Sc. second year. नमस्कार, मेरा नाम सुरेंद्र चाकूकर है। मैं एक किसान हूँ। किसान होकर भी मेरी लड़की यहाँ थर्ड ईयर में बीएससी थर्ड ईयर में पढ़ती है। जब 11वीं और 12वीं में यही थी, 12वीं पास होने के बाद मेरे को बहुत सारे जन बोले गांव में कि तुम अभी यहाँ मत रखो, पूना जाओ। मैं बोला पूना, बॉम्बे, थाने, नासिक, यहाँ से ही यहाँ लड़के आते मेडिकल या इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए। लेकिन मेरी लड़की ने पहले से ही डिसीजन लिया था कि मेरे को इंजीनियरिंग और मेडिकल नहीं करने का है, यही बीएससी करने का है। तो 12वीं में अच्छे मार्क्स मिलने के बाद भी मेरा थोड़ा विचार चल रहा था कि पुणे जाने का, लेकिन मैं तो किसान हूँ, अभी इतना खर्चा ये करने के मेरी उतनी हैसियत नहीं है। तो मैं एक दिन मेरे को प्रिंसिपल साहब का फोन आया यहाँ, तो बोले बोले तुम गाँव पुणे जाने का ऐसा सोच रहे हो। तो बहुत ठीक है सर, मेरा उतना उचित नहीं, कुछ तो लोन निकाल के मैं लड़की को पढ़ाना चाहता हूँ। तो बोले क्यों, तो उतना फीस वीस नहीं है होती, पुणे कैसा भेज रहे हैं। मैं बोला फेस भी चूंगा लेकिन लड़की को पढ़ाऊँगा क्या। तो बोले फिर सर ने बोले तुम्हारे को फीस में मैं कंसेशन देता हूँ। तो कॉलेज ने मेरे को कंसेशन दे दिए और इंस्पायर हुआ कि मेरी लड़की इंस्पायर स्कॉलरशिप एक्चुअली हो गई सर। तो इंस्पायर स्कॉलरशिप मिलने के लिए मेरे को तो उतना इंग्लिश नहीं आती, अभी हिंदी भी मैं ऐसा ही आपके सामने बोल रहा हूँ। तो सर इंस्पायर के लिए इतना हेल्प किया है कॉलेज ने, टीचिंग हो नॉन टीचिंग हो, और एक दिन भी मेरी लड़की कॉलेज नहीं डूबाती, रेगुलर प्रेजेंट रहती है, अपसेंट एक भी दिन नहीं रहती हो। और ऑनलाइन क्लास सर एक ही ऐसी है, वो भी तुम बोलेंगे ऐसा, एक ही मोबाइल है मेरे पास, वही मोबाइल पे उन्होंने क्लास किए सर। नहीं तो आजकल क्या है, पहले के लड़के को भी मोबाइल है और पूरा फाइनल की भी है, लेकिन एक ही मोबाइल यूज करके मैं उसको पढ़ा हूँ सर। और इतना इंफ्रास्ट्रक्चर और यहाँ का सब कॉलेज का वातावरण इतना अच्छा है सर, तो अभी मैं ये सोच रहा हूँ MBC यहाँ करूँ क्या। इतना अच्छा है और ग्रोथ इसका जो बढ़ने वाला है और बढ़ेगा, ऐसा ही कॉलेज है सर। कुछ गलती हो गई तो मैं सुबह से राजकुमार के रहा, मैं प्राइमरी टीचर हूँ, मैं उस्मानाबाद जिला बस्ती से प्राइमरी टीचर का हूँ। मेरे कॉलेज में लड़की को एडमिशन देना ये मेरी फैमिली
कि मैं दयानंद कॉलेज से सीखना मेरी इच्छा थी। फिर मेरी पापा की परिस्थिति डाउन, इसलिए मैं इधर ले आऊंगा। फिर क्या करेंगे, इधर से 35 किलोमीटर था मेरा गांव दूर। पापा ने बोले कि तू यहाँ कॉलेज पे मोर्सली कॉलेज पर और अपनी परिस्थिति जो जमता है वो कर। ठीक है, परिस्थिति ठीक में मोर कॉलेज में था, 10वीं 72 तक के गुण लिया था, फिर मैं प्राइमरी टीचर हूँ। फिर मैं ये ख्याल रखा, मैं जो करना है वो मेरे परिस्थिति पर नहीं करूँगा, तो मेरी बच्ची को वो कॉलेज में प्रवेश देना चाहिए। फिर इसी वास्ते मैं बच्चों को यहाँ एडमिशन दिया था। बच्चों को बी फार्मसी मास्को नंबर लगा था, फिर उधर का नंबर कैंसिल करके मैं यहाँ एडमिशन दिया था। मेरी बच्ची नूर लातूर अप डाउन करके ये तीसरा साल में आई थी, 2 साल फ्रेश हो गए, तीसरा साल था। और ये एडमिशन लेने वास्ते तो ये परिसर मैं पूरा घूम के देखा था, अभी सब अच्छा दिखाई था। मेरी स्कूल के वास्ते इधर से ये सब सब अच्छे थे, स्टाफ अच्छा था, परिस्थिति अच्छा थी, ये फोर्थ क्लास कर्मचारी इस सब बच्चों को ख्याल देते थे। एक बार आके देखे थे इधर जो ख्याल रखने वाले जो दूसरे की जो आदमी थे वो भी ख्याल थी थे, ये दो बच्चे यहाँ खड़े तुम यहाँ क्यों खड़े, चलो कॉलेज कॉलेज के बाहर, इस वास्ते में ख्याल में आया था। और मेरे बच्चों को इधर हम सुन लिया था, इधर के सब सब अच्छे थे, बच्चों को खेलने को ग्राउंड अच्छा था। फिर लड़की के वास्ते ख्याल अच्छा था, ये मेरे सुनिए, बाकी का सब कैसा हो, बच्चे का सुरक्षा अच्छा है। और ऐसा करके तीसरा साल बच्चे को होगा अच्छा होगा। मेरे ख्याल में ये दयानंद कॉलेज का लॉ कॉलेज नाम लेना ख्याल में, क्यों इधर के सब परिस्थिति देखकर ये भी सी कॉलेज और इधर लॉ कॉलेज सबकी जरूरत है कॉलेज की। तो मैंने यह ख्याल लिखा तो आज से मेरा चाहिए व्यक्तवास करते हूँ। अभी हमारे साथ कोई आदमी बोलने वाले हैं तो बोल जाओ, रुकता हूँ, सभी का धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। मैं अपने सेकंड ईयर इन दिस कॉलेज माय ब्रदर स्टडी लास्ट टू इयर्स। लास्ट ईयर सेकंड टर्म एग्जाम माय ब्रदर इज टॉप मराठी लैंग्वेज एंड कॉलेज आल्सो कंडक्टेड द एनसीसी एंड एनएसएस प्रोग्राम। माय ब्रदर आल्सो पार्टिसिपेटिंग इन द NSS NSS program and my brother participating and participation of the there is not participating in crowd in this college also given the opportunity to participate to NSS program and in this college also sport cultural activity also also happens in this college. And then the principals are also having the focus on this student, and they gave us this personal speech for the and gave us the that opportunity to people. And in this college also the laboratory of the well the microbiology lab also the
मेरा लड़का यहाँ एमएससी सेकंड ईयर में है और केमिस्ट्री पढ़ता है। मेरे लड़के के बीएससी यही हुए है। यहाँ के हेड सर ने एमएससी के बारे में बताया और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेरा बच्चा पढ़ रहा है। दो दिन पहले यहाँ नेशनल लेवल का एक साइंस एग्जीबिशन हुआ था यहाँ के साहू कॉलेज में। यहाँ के सर, हमारा बच्चा इसमें शामिल हुआ था और यहाँ की जो लैब है वो लैब में हमारे बच्चे बहुत अच्छी तरह से रिसर्च करते हैं और पेपर पढ़ाते हैं। हमको घर में बोलते हैं हम पेपर लगा रहे हैं उसके रोल करके अच्छी तरह से काम है। आशा है कि आपका कॉलेज जो है हमारे बच्चों का सर्वांगीण विकास के लिए सब अच्छी तरह से एक्टिविटीज। धन्यवाद। बेसिकली मेरी मिसेस सोलापुर डिस्ट्रिक्ट से और लास्ट ईयर हमारी शादी हुई, लेकिन हमें जो प्रेफरेंस मिला मतलब यहाँ पे मैं रिलायंस कॉलेज में पढ़ा हूँ, लेकिन मुझे प्राउड फील होता है कि मेरी मिसेस यहाँ पे पढ़ रही। लेकिन मेरी मिसेस की जो एचओडी डिपार्टमेंट की टीचर थी वहाँ की, उन्होंने प्रेफरेंस दिया कि दयानंद कॉलेज में एमएस के लिए एडमिशन, तो वहाँ से हमें प्रेफरेंस मिला, देन हमने यहाँ पे एडमिशन लिया। लेकिन मुझे थोड़ा मैंने ये डाउट था कि यहाँ पे थोड़ा एनवायरमेंट वहाँ का अलग है, यहाँ का अलग है, तो यहाँ पे कैसे घूम मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ के टीचर जो है उनकी बॉन्डिंग, टीचर एंड स्टूडेंट में जो बॉन्डिंग है सर, लिटरली मैं बता तो एज ए पेरेंट्स वो फील करते हैं। और सिर्फ मेरिट के लिए नहीं सर, ऑल ओवर मतलब मराठी में कहा जाए तो विद्यार्थियों सर्वांगीण विकास केंद्र ध्यान पाए, ये मैं हिंदी में बता नहीं सकता क्योंकि सर ये लाइन मराठी में सीख करते। सो सजेशन तो कोई नहीं है सर, लेकिन वे प्राउड टू प्राउड ऑन ध्यान सिंह। अच्छा लगा, मैं हिंदी में बात करूँगा। अच्छा लगा आप लोग कोशिश करके किसी का बढ़ना किसी की बेटी किसी की पत्नी आवेदन पढ़ना। और हाँ, विद्यालय के बारे में जो इस कॉलेज के बारे में जो आपको आपके वार्ड बताए आपकी पॉजिटिव था संपत्ति, इससे यही तो हम लोग सुनने आए थे कि आप महाविद्यालय के बारे में, महाविद्यालय के बारे में आपकी ओपिनियन क्या है ये जानना आवश्यक था कि आपकी ओपिनियन क्या है, माहौल कैसा है यहाँ पढ़ने पढ़ाने का, कैसा यहाँ की टीचिंग कैसी है, आपको अच्छा मतलब कुछ सुझाव तो नहीं देना चाहते हैं जैसा कि सर ने पहले आपको बताया, यही सब जानना चाहता था। लेकिन ज़्यादा खोल करके सुझाव आए नहीं, एक वीक से आया, एक वीक तो शांत रहा इधर वाला भी, तो सजेशन पूछे भी सर लेकिन सीधे फ्यूजल आ गया। तो लेकिन आप लोग अच्छा बोले, ठीक है, अच्छा लगा हम लोगों को और काफ़ी कुछ जानकारी प्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्टली हम लोगों को मिली। अच्छी ओपिनियन मेरी पेरेंट्स की होती है कि निश्चित रूप से आपका वार्ड जब बन जाता है वो बताता होगा, उसी के आधार पर आप ओपिनियन बनाते हैं कॉलेज के बारे में, और वही आपके माइंड में रहता है, वही मुँह से निकलता है, वही आप बताते हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब आए यहाँ पर और अपनी भावनाओं को आपके सामने रखा, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।
नॉट टीचिंग।